हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस हफ्ते मैंने आपको एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं की है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं आपको दो IPOs का रिव्यू करने वाला हूं और मैं आपको बता देता हूं कि मैं यूजर्स के क्वेश्चन के आंसर कर सकूं, इसलिए मैं लगातार ऑप्शन में देखिए ट्रेड कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे 4 और 5 तारीख की मार्केट ओपन हुआ है 520-400 कुछ, ताकि मेरी प्रैक्टिस में रहे और मैं आंसर कर पाऊँ। तो मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। अब बात करते हैं IPOs की। देखिए, दो IPO निकले हुए हैं आपके सामने। एक तो ये भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड का IPO है। ये कंपनी 2006 में आपकी स्टार्ट हुई है। SREI इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब्सिडी कंपनी है, यानी एक सब डिवीज़न कंपनी है जो कि रोड हाईवेज पे डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है इसका टारगेट है MP, UP, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसका काम क्या होता है कि ये लोकल फेमस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स को हायर करती है और उनके साथ वर्क करती है। कंपनी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल है, इंजीनियरिंग है, प्रोसेसिंग है, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास करंट में 6 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें से 2 आपका ऑपरेशनल अंडर फाइनल एज में है, 2 प्रोविजनल एज में, 3 प्रोविजनल एज में है, 2 फाइनल एज में है और 1 आपका अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी काम चल रहा है जिस प्रोजेक्ट में। कुल मिला के 6 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आपको बता दिया है। इस कंपनी में अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये आपके बन सकते हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। 6 तारीख को ये IPO ओपन होगा, 8 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसे। इसके जो इशू प्राइस है वो 195 से 205 है। मार्केट लॉट मिनिमम 73 शेयर्स का है। दोनों पे लिस्ट होगा BSE NSE पे और आपका ये शेयर जो है 18 तारीख में लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ डिक्सन IPO के बारे में और उसी में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों IPO में से कौन सा IPO बेस्ट रहेगा आपको पैसे लगाने के लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।